अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज 20 नवंबर है और 20 नवंबर 1751 को हिंदुस्तान के पहले फ्रीडम फाइटर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह की पैदाइश कर्नाटक में हुई और आज के इस मौके पर 20 नवंबर के मौके पर बुल्ढाना के नौजवानों की तरफ से शब्बीर भाई, सार खान साहब, जावेद साहब, जुबेर खान, इन सब नौजवानों की तरफ से आज सरकारी दवाखाने में फल फ्रूट बांटने का प्रोग्राम अमल में लाया गया। आपको मैं थोड़ा सा इस बारे में और बताऊं कि टीपू सुल्तान एक वो शख्सियत है जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आज़ादी का नारा बुलंद किया। हिंदुस्तान, अगर आप तारीखी किताबों का मुतालिया करें तो आप देखेंगे इसमें कि टीपू सुल्तान का इस तारीखी जुमला मिलता है कि उन्होंने कहा था कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की ज़िंदगी है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ सबसे पहले एटमी हथियार का इस्तेमाल करने वाले भी टीपू सुल्तान, और उन्होंने कहा था कि ये हिंदुस्तान मेरा मुल्क है और इसकी एक इंच भी ज़मीन मैं ये भूरी चमड़ी के लोगों को नहीं दूंगा। इसलिए उन्होंने अपनी लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ जारी रखी और देश की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल अदा किया। इनकी जन्मदिन के मौके पर आज इस सरकारी दवाखाने में नौजवानों की तरफ से फल फ्रूट बांटेंगे। हम इस तरीके से इन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं।